खबर चंपावत से। लखीमपुर में हुई घटना के विरोध में कांग्रेसियों ने दी सामूहिक गिरफ्तारी। यूपी के लखीमपुर में किसानों के साथ हुई घटना के विरोध में विरोध यानी कि पूर्व विधायक हमीश खरकवाल के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया। जुलूस पार्टी कार्यालय से होता हुआ कोतवाली टनकपुर में पहुंचा, जहां कांग्रेसियों ने नारेबाजी करते हुए मौन व्रत रखा। साथ ही दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली टनकपुर में सामूहिक गिरफ्तारी दी। मौजूद पूर्व विधायक हेमश खरकवाल ने बताया, भाजपा नेता के बेटे द्वारा जिस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, जिससे आंदोलित किसान मौत के ग्रास में चले गए और उनके आंसू पोंछने जा रही राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की जिस तरीके से पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है वो बेहद निंदनीय है, जिसका आज हमने विरोध करते हुए काली पट्टी बांधकर नगर में घूमते हुए जुलूस निकाला और कोतवाली आकर अपनी गिरफ्तारी दी। नेता के पुत्र द्वारा जिस तरह से प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिससे आंदोलनरत किसान जो है वो मौत के आगोश में चले गए और उनके आंसू पोंछने को जा रही हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की जिस तरह से गिरफ्तारी की है पुलिस ने, उसके विरोध में आज कांग्रेसियों ने काली पट्टी बांध करके नगर में प्रदर्शन भी किया है और उसके बाद यहाँ कोतवाली में पहुँच के मौन व्रत रख करके यहाँ पर अपनी गिरफ्तारी भी दी है। मुझे लगता है कि जनता का मूड देख करके और जनता जो परिवर्तन का मूड बना चुकी है, उस परिवर्तन की आहट से भाजपा के लोगों में घबराहट है और वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और जब तक उन किसानों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग अपनी पार्टी के नेतृत्व में सड़कों पर उतरेंगे और जिस तरह के भी पार्टी से निर्देशक होंगे उन कार्यक्रमों को करेंगे। खबर भारतवर्ष के लिए चंपावत उत्तराखंड से पार्वती देवी की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।